हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एन एस ओ वर्कबुक चैप्टर नंबर फोर एसिड बेस एंड सॉल्ट तो मैं लास्ट टाइम से बहुत लेट में वीडियो डाल रही हूँ जबकि मैंने आपको बोला था मैं कंटिन्यू वीडियो डालने वाली हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी तो मेरा सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल पे बने रहिए मैं जैसे जैसे वक्त मिलेगा वैसे वैसे मैं बहुत ही जल्दी आप तक वीडियो पहुंचा दूंगी एंड uh, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मैं कोशिश करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दे सकूं एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये ओलंपियाड एग्जाम इतना अच्छा जा सके तो चलिए एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में आपने अपने क्लास की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा वॉट डू यू मीन बाय एसिड एसिड बेस एंड सॉल्ट तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है तो इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन और मैं इसे आपको हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी जहाँ पे रह जाता है आपको डाउट प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ओके क्वेश्चन नंबर वन में आपको बोला है इन द गिवन रिएक्शन यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है जो पहला रिएक्शन पहला केमिकल को पी कहा गया है एंड चाइना रोज इंडिकेटर चाइना रोज इंडिकेटर क्या हो सकता है जो टर्न ग्रीन कब ग्रीन हुआ है जब इसे सीओ टू के साथ मिक्सअप किया गया है ठीक है तो ये पी क्या है हमें वो फाइंड आउट करना है तो उसका रिएक्शन क्या क्या हुआ है? कि पेपर क्या हुआ है है कि पेपर रेड सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं हुए इट मीन्स यहाँ पे कोई भी एसिडिक रिएक्शन ऑकर नहीं हुआ है ठीक है और यहाँ पे जो आर है वो क्या है मिल्की है ठीक है तो अब पी क्या है पी जो है उसने चाइना रोज इंडिकेटर को क्या किया है ग्रीन में कन्वर्ट किया है ठीक है तो हो सकता है कि ये बेसिक हो नेचर में ठीक है तो जो बेसिक है नेचर में उसे हम क्या बेसिक है नेचर में तो उस केमिकल को हम क्या कहेंगे पे वहां पे कौन सा कैमिकल हो सकता है यहां पे हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओके हाइड्रोक्साइड ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखते हैं OH टू ओके okay. लिखते हैं ठीक है तो यहां पे वो हो सकता है दिस इज द ऑप्शन नंबर डी में है देखिए आप ठीक है अब वो जब रिएक्ट करेगा रेड लिथमस सॉल्यूशन ठीक है तो आपका क्यू क्या हो सकता है नो चेंज इन कलर उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये हाइड्रोजन होगा ठीक है एच टू ओ एच टू ओ होगा नाउ प्लस यहां पे मिल्की सॉल्यूशन बोला है यहां पे मिल्की फॉर्मेशन हो रही है तो आर क्या होगा आपका सी ए सीओ थ्री होगा सी ए सीओ थ्र थ्री विच इज कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका सही आंसर कौन सा होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है पी होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सीओ टू फिर क्या फॉर्मेशन हो रही है एच टू ओ प्लस मिल्की फॉर्मेशन हो रही है मिल्की टेक्सचर आ रहा है उसका तो क्या फॉर्मेशन है सी ए सीओ थ्री विच इज कैल्शियम कार्बोनेट चलिए क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड आर शोन इन द गिवन फिगर तो डाइल्यूट हाइड्रो एसिड जो है उसे किसे किसके साथ मिलाया जा रहा है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को के साथ तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस जब भी आप कोई सब्सटेंस को मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में कौन सा चीज इनकरेक्ट है आपको ये बताना है तो यहाँ पे है देयर इज नो चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तो ये सबसे पहला इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा बिकॉज जब भी आप कोई भी चीज़ को किसी के साथ भी मिक्सअप कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है उसके एटम्स में चेंजेस और अरेंजमेंट अरेंजमेंट जो है उसके एटम में वो चेंजेस होंगे ही होंगे नंबर टू में बोला है ऑन मिक्सिंग द सब्सटेंसेस टू न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ये सही है फिर बोला है वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ठीक है तो ये सही है नंबर फोर में बोला है द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन एंड इंडोथर्मिक तो नहीं वो न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा जब भी केमिकल रिएक्शन होगा वो न्यूट्रलाइज नहीं होता है वो रिएक्टिव होता है और वो क्या होगा न्यूट्रलाइज नहीं होगा रिएक्शन ऑकर्स होंगे एंड उसमें चेंजेस होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इन दोनों को मिक्सअप करेंगे तो हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपोनेट करेंगे एक दूसरे का साथ रिएक्ट करेंगे है कि नहीं एंड इट इज इंडोथर्मिक नहीं होगा बिकॉज ये हीट जनरेट करेगा तो इसका सही आंसर इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे वन एंड फोर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस चैप दिस क्वेश्चन ओके चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं जिनको बोला है रिया प्रिपेयर अन इंडिकेटर पेपर बाय डीपिंग अ पेपर स्ट्रिप इन अ सॉल्यूशन ऑफ़ एक्स तो रिया ने एक पेपर इंडिकेटर लिया है जो उसने एक सॉल्यूशन में डाला है और उस सॉल्यूशन का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है फिर उसमें बोला है पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अन अन नोन फिर उसने फ्यू ड्रॉप ऑफ अननोन सॉल्यूशन उसमें डाला और उसका नाम उन्होंने वाई बोला है इन विच ऑफ नंबर ऑफ एच आयोन इज लेस दैन द ओ एच आयोन्स ओके ऑन दिस पेपर शी इज ऑब्जर्व दैट दैट पेपर टर्न येल्लो पेपर क्या कैसा कलर में बदल गया है येलो में बदल गया है तो यहाँ पर पूछा है एक्स सोल्यूशन क्या है एंड वाई सोल्यूशन यहाँ पर रेस्पेक्टिवली क्या है तो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया है क्या एक्स रेड लिटमस सॉल्यूशन है और वाई टर्मेरिक जूस है या नंबर बी में दिया हुआ है फेनोफे फेतल, फैथलिन एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है या नंबर सी में दिया है मिथेल ऑरेंज एंड और लाइम वाटर है नंबर डी का ऑप्शन है टर्मिक टर्मरिक सॉल्यूशन एंड लेमन वाटर तो यहाँ पे जो बताया गया है इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्स सॉल्यूशन है एक्स सॉल्यूशन है वो जरूर मैथेल ऑरेंज एंड और लाइम वाटर है बिकॉज यहाँ पे वाई जो है इट कंटेन अ लेसर एच आयन प्लस दैन ओ एच आईन बताया है ठीक है और मिथेल ऑरेंज जो है वो टर्न टर्न हुआ है येलो में जो एक बेसिक सॉल्यूशन है सो रेड लिथमस सॉल्यूशन को अगर आप, आप एसिडिक होता तो वो ब्लू में कलर हो जा मतलब कन्वर्ट हो जाता फेनोफेथलिन टर्न अगर फेनोफेथलिन का यूज करते तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा मैथलिन ऑरेंज एंड लाइम वाटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओके चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है वॉट कॉलम वॉट कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कॉर्ड तो यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है उसे आपको कॉलम वन एंड कॉलम टू को मिक्सअप करना है ओके बेकिंग सोडा यहाँ पे दिया हुआ है आज डिस डिस इनफेक्टेंट ब्लीचिंग पाउडर इधर दिया है आज एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इधर दिया है इन अ बेस्ट बाई ट्रीटमेंट वनीगर दिया है इन अ फायर एक्सटिंग तो यहाँ पे बेकिंग सोडा क्या है बेकिंग सोडा जो है उसे इनअ फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जा सकता है तो ये नंबर पी होगा ओके okay? अब ब्लीचिंग पाउडर का आपको पूछा है तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एज अ डिसइेक्टेंट के लिए यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर तो यहाँ पे क्यू होगा ठीक है क्यू का वन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आन एंटासिड तो यहाँ पे आर होगा और वेनेगर वेनेगर जो है वो हम इन अ वेस्प बाइट वेस्ट मीन्स मधुमक्खी होती है देखिए वेस्प वेस्प बाइट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है तो यहाँ पे एस होगा तो इसका सही आंसर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं राधिका टुक वार्म वाटर इन अ बीका एंड put few china rose petal in it. she keep the petal dipping for some time till the water become colored then she put few drop of this color water into the solution. तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है राधिका ने चाइना रोज लिया है तो चाइना रोज आपने देखा होगा पिंक या रेड कलर का होता है एंड उसने क्या किया है उसे गर्म पानी में डाल के रखा है उसके पेटल को तो जब भी फूलों की पंखुड़िया को अगर आप गर्म पानी में रखते हैं तो उसका कलर छूटने लगता है जो वो पानी में उतर जाएगा फिर उसने क्या किया है उसे डिवाइड किया है और उसमें अलग अलग चीज़ें डाली है अब हमें ये बताना है उसमें से उस पानी में कोई कलर के चेंजेस होंगे या नहीं होंगे तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं पहले पेज में आपको ऑप्शन दिया है आमला जूस डाला है उसने एक में दूसरे में लाइम वाटर डाला है तीसरे में उसने कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड फोर्थ में बेकिंग सोडा डाला है राइट right? तो चाइना रोज अगर आप बोलोगे तो एक तरीके से इंडिकेटर है अगर वो एसिडिक में जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपना कलर चेंज करेगा तो जब भी वो एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका कलर कैसा हो जाएगा मैजेंटा कलर हो जाएगा उसका है कि नहीं एंड अगर वो बेसिक सॉल्यूशन में जाएगा तो वो अपना कलर कैसा रखेगा जाहिर सी बात है ग्रीन कलर रखेगा तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं किस में किस में वो कौन कौन सा कलर लाएगा जैसे कि मैजेंटा है तो मैजेंटा जो है वो एक एसिडिक है तो एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर क्या होगा मैजेंटा हो जाएगा अब आपका जो लाइम वाटर है लाइम वाटर इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में वो क्या रहेगा उसका कलर बदल के क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा एंड कॉमन सॉल्ट मीन्स आपके घर का जो कॉमन सॉल्ट है सॉरी कॉमन सॉल्ट है तो कॉमन सॉल्ट में उसका कलर चेंजेस होगा तो कोई कलर चेंजेस नहीं होगा तो एज इट इज़ वो पिंक कलर में ही रहेगा एंड फोर्थ इज अ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो है वो बेस होता है बेसिक होता है नेचर में तो उसमें भी उसका कलर ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा पिंक से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा कॉमन सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात में बात है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट जो है करेक्टली पढ़, पढ़ना है और इसका करेक्ट आंसर देना है आपको स्टेटमेंट वन में बोला है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बी स्टिंग ऑफ अ बी स्टिंग जब मधुमक्खी आपको काटती है उसको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको उस पोर्शन द पोर्शन ऑफ द बॉडी इज रफ विद द मॉइस्ट बेकिंग सोडा तो आपको उस पोर्शन को मॉइस्ट बेकिंग सोडा से रब करना चाहिए स्टेटमेंट टू में बोला है बेकिंग सोडा कंटेंट सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट होता है जो न्यूट्रलाइज करता है द इफेक्ट ऑफ एसिड इंजेक्टेड बाय द बी स्टिंग तो बी ने जब आपको काटा उस वक्त जो उसने एसिड क्रिएट किया जो एसिड इंजेक्ट किया आपकी बॉडी में उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने में हेल्प करता है स्टेटमेंट टू कुछ हद तक सही है लेकिन स्टेटमेंट टू में क्या गलत है मैं आपको वो बताती हूँ स्टेटमेंट वन जो है वो पूरी तरीके से सही है कि अगर आपको बी स्टिंग करती है तो आपको तुरंत बेकिंग सोडा वहाँ पे रब कर देना चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट टू इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट टू जो है वो आपको ज़्यादा बेटर बता रहा है स्टेटमेंट वन के बारे में तो ये गलत है ऑप्शन बी में बोला है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू बट द स्टेटमेंट टू इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन तो ये भी गलत है ऑप्शन सी में बोला है स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू एंड द स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स ये सही है आपकी स्टेटमेंट वन जो है ये सही है स्टेटमेंट टू फॉल्स है बिकॉज यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है सोडियम कार्बोनेट क्या बोला गया है बेकिंग सोडा जो है वो क्या कंटेन करता है सोडियम कार्बोनेट विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अ इंजेक्टेड ऑफ अ बी स्टिंग तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंटेन करता है जो न्यूट्रलाइज करता है अगर फॉर्मिक एसिड हो रही है अगर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हो रही है आपके बी स्टिंग से तो वो उसे न्यूट्रलाइज करता है इसीलिए स्टेटमेंट सी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज स्टेटमेंट वन जो है वो सही है स्टेटमेंट टू फॉल्स है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में यहाँ पे आपको दिया है किरण आइडेंटिफाई किरण आइडेंटिफाई द नेचुरल ऑफ फ्यू सब्सटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ थ्री डिफरेंट इंडिकेटर तो किरण आइडेंटिफाई कर रही है नेचर ऑफ अ फ्यू सब्सटेंसेस फ्यू सब्सटेंसेस के नेचर कैसे हैं मीन्स वो एसिडिक है वो बेस है इसके बारे में और उसने ऑब्जर्व किया है सी लिस्टेड डाउन हर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल विथ सम ब्लैंक तो उसने उसे लिस्टेड डाउन किया है जिसे यहाँ पे ब्लैक में ब्लैंक में छोड़ा गया है तो यहाँ पे सब्सटेंस देखिए यहाँ पे दिया है लाइम वाटर कर्ड टेबल सॉल्ट टूथपेस्ट लेमन जूस अब यहाँ पे उसने लिथमस पेपर कौन से कलर का यूज़ किया है रेड लिथमस पेपर जो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुका है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ इसमें चेंजेस हुआ है कि नहीं वो हमें बताना है एंड लेमन जू लेमन जूस में भी यहाँ पे नो चेंजेस दिखाया है टर्मरिक सॉल्यूशन में जब उसने डीप किया है तो उसने क्या दिखाया है पी का नहीं बताया है इसमें नो चेंजेस है इसमें नो इसमें रेड चेंजेस है इसमें नो चेंज है चाइना रोज इंडिकेटर में ये ग्रीन है तो ज़ाहिर सी बात है लाइम वाटर बेस है हमारा यहाँ पे पी वैसे ही छोड़ दिया गया है जो हमें फाइंड आउट करना है टेबल सॉल्ट में नो चेंजेस हैं अब यहाँ पे भी आपको वैसे ही ब्लैंक छोड़ दिया है और ये मैजेंटा में कन्वर्टेड है टू लेमन जूस तो लेमन जूस मैजेंटा में कन्वर्टेड है इट इज़ एसिडिक इन नेचर राइट नाउ अब आपको आगे करना क्या है हम वो स्क्रॉल करके देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे बताना है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए होंगे ठीक है तो हम सबसे पहले ओरली इसे हम सॉल्व कर लेते हैं अब यहाँ पे देखिए हमारा पी क्या हो सकता है हमारा पी क्या हो सकता है यहाँ पे उसने क्या यूज किया लाइम वाटर लाइम वाटर इज अ बेस इन नेचर है कि नहीं उसने रेड लिथमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्टेड हो गया है तो जब उसने टर्मरिक सॉल्यूशन में डाला है तो वो किस में कन्वर्टेड हो जाएगा वो कन्वर्टेड हो जाएगा रेड में तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आंसर आएगा रेड ठीक है अब उसने कर्ड में रेड लिथमस पेपर नो चेंजेस टर्मरिक सॉल्यूशन में नो चेंजेस एंड चाइना रोज में चाइना चायन, रोज इंडिकेटर में तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा मजेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि कर्ड जो है वो एसिडिक है राइट right? तो ये मजेंटा हो जाएगा एम कर देती हूँ मैं नाउ टेबल सॉल्ट जो है वो हमारा न्यूट्रलाइज है तो इसीलिए किसी में भी कोई चेंजेस नहीं आया है नो चेंज ठीक है अब आपका टूथपेस्ट जो जो है वो टूथपेस्ट है रेड रेड लिटमस है तो टूथपेस्ट कैसा होगा नेचर में टूथपेस्ट जाहिर सी बात है इट मस्ट बी अ बेस इन नेचर बेसिक इन नेचर तो इसी की वजह से रेड लिथमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ है एंड चाइना रोज़ में जब च, आ, जब इसे हम ये चेंज सॉरी कलर चेंज करेगा जब हम इसे लिथमस पेपर रेड लिथमस पेपर होगा तो ये ब्लू में कन्वर्टेड हो जाएगा एंड चाइना रोज इंडिकेटर क्या दिखाएगा ग्रीन दिखाएगा यहां पे तो यहां पे आर जो होगा वो हमारा हो जाएगा ब्लू और ये जो है ये हमारा हो जाएगा ग्रीन ठीक है तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा सही ऑप्शन है सेवन का बी ठीक है लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द दिन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फरिक एसिड तो सल्फरिक एसिड के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है तो स्टेटमेंट वन में बोला है लार्ज वॉल्यूम ऑफ एसिड शुड बी एडेड टू अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर स्लोली तो इसमें बोला है लार्ज वाटर वॉल्यूम अगर आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ एसिड मिक्सअप कर रहे हैं तो आपको उसमें स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर स्लोली मिक्सअप करना चाहिए नंबर टू में बोला है वाटर शुड बी एडेड टू एसिड इन स्मॉल वॉल्यूम इसमें भी, भी वही बोला है वाटर शुड बी एसिड टू एसिड नाउ नंबर थ्री में बोला है द प्रोसेस इन्वॉल्व रिलीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो बोला है जब भी आप एसिड को एसिड के साथ मिक्सअप करते हो तो वो बहुत अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करेगा नंबर फोर में बोला है वाटर शुड नॉट बी स्टर्ड और इसमें डाला हुआ पानी को स्टर नहीं करना चाहिए तो आपको क्या लगता है कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा जाहिर सी बात है स्टेटमेंट थ्री जो है वो करेक्ट होगा बिकॉज जब भी आप एसिड को एसिड के साथ मिक्सअप करोगे तो उसमें रिएक्शन होगा और विच क्रिएट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ठीक है तो ऑप्शन थ्री जो है या स्टेटमेंट थ्री जो है वही एक सही स्टेटमेंट है तो यहाँ पे देखिए आपको ए में दिया है वन फोर सही है बी में दिया है टू थ्री सही है सी में दिया है वन टू फोर सही है लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो सिर्फ थ्री है तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला है रगो यूज एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर इन हर फील्ड विद द सॉयल इन रमन फील्ड वॉज़ फाउंड टू बी अ बेसिक इन नेचर तो रघु का जो रघु ने क्या किया है एक्सेसिव केमिकल का यूज़ किया है फील्ड में फील्ड uh, में एंड रमन का फील्ड जो है वो बेसिक है नेचर में तो वॉट शुड दे एड टू देअर फील्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ सॉइल तो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए uh, करने के लिए उन्हें किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए तो जाहिर सी बात है रघु को कुछ ऐसा यूज़ करना चाहिए जो उसका कैम एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र जो उसने एसिडिक किया है अपने सॉयल को उसको वो बेस में थोड़ा कन्वर्ट कर सके और इसका बेस है तो जाहिर सी बात है इसे भी अपने बेस का जो नेचर है तो ज़ाहिर सी बात है कि रघु को बेस यूज़ करना है एंड रमन को कुछ ऐसा यूज़ करना है कि वो बेसिक और एसिडिक को न्यूट्रलाइज़ कर सके और अपने फील्ड को क्योंकि अगर आपका फील्ड बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा या बहुत ज़्यादा बेस होगा तो आपका जो क्वालिटी है सॉइल का वो खराब होगा क्वालिटी ऑफ सॉइल ख़राब है तो आपके प्लांट को इफ़ेक्ट करेगा वो चीज़ तो इसीलिए रघु को कुछ ऐसा यूज़ करना चाहिए जो बेस हो नेचर में तो जाहिर सी बात है क्विक लाइन से अच्छा कुछ भी नहीं है क्विक लाइन जो है या स्लैक लाइन जो है वो उसके सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो रघु उसका यूज़ करेगा और रमन का बेसिक है नेचर में तो जाहिर सी बात है उसे ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत है जिसकी वजह से उसकी सॉइल जो है उसमें थोड़ी सी एसिडिटी एसिड हो एसिडिक हो सके उसकी सॉइल है कि नहीं तो इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि रघु क्विक लाइन का यूज़ करेगा एंड रमन ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करेगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में आपको मैच द कॉलम दिया हुआ है मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड तो यहाँ पे जो कोड्स दिए गए हैं आपको दोनों को मिक्स अप करना है ओके पी में दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यू है टाटिक एसिड आर है जिंक कार्बोनेट एंड एस है आपका ऑक्सेलिक ox एसिड ओके नंबर वन में दिया है स्पिनच नंबर टू में दिया है विंडो क्लीनर नंबर थ्री में दिया है टर्मरिड टर्मरिड मीन्स इमली और नंबर फोर में दिया है कैलामाइन तो अब यहाँ पे टाटिक एसिड अगर आप देखोगे तो अमोनियम एसिड अम, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपको किसमें मिलेगा कोई भी क्लीनर समझ लीजिए उसमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है तो वो आपको मिलेगा विंडो क्लीनर में तो ऑप्शन टू जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा ओके टाटिक एसिड जो है वो आपको मिलेगा टर्मरिन में टाटिक एसिड तो आ, इसका नंबर थ्री होगा नाउ जिंक कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट जो है वो आपको मिलेगा कैलावाइन में ऑक्सलिक एसिड जो है वो आपको मिलेगा स्पिनच में तो ये इसका सही आंसर है तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से ये मैचअप करता है ऑप्शन फो नहीं ऑप्शन टू से तो सॉरी ऑप्शन ए से तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर ओके okay? होप्स आपको ये समझ में आया होगा अगर कोई डाउट रह जाए तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इतनी हेल्पफुल हो सके चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय